कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, सही वक्त पे कट लेना चाहिए वरना गिले शिकवे होने लगते हैं। याद आया ये डायलॉग? आया, थोड़ा थोड़ा और सोचो। जी हाँ, ये जवानी है दीवानी, बिल्कुल सही पकड़े हैं। मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली इस मूवी से ना कुछ ज़्यादा इंस्पायर हो गई। और फिर लाइफ में आया ट्रैवल अफेयर्स। अब तुम खुद ही सोचो यार, अनजान लोगों के साथ एक रैंडम ऑफ मीट्स अट्रैक्ट करके क्या ही मज़ेदार फील आती होगी। आज की कहानी है एक ऐसे ही ट्रिप की, अब आगे तुम खुद ही देख लो। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, फटाफट से फ्लाइट बोर्ड करते हैं। लैंड करने का मतलब है आपके 10,000 स्टेप पक्के बाहर निकलने तक। इतना लंबा है ना कि इन्होंने यहाँ नीचे लिफ्टें लगा रखी हैं। इनको बोलते कुछ और है लेकिन मेरे को लिफ्ट ही पता है, तो मैं लिफ्ट ही बोलूंगी। 6.5 hours later. ये बस जा रही है जिद्दी। और ये खड़े हमारे बंदे, अब इनको अंदर बैठाना शुरू करते हैं। Day 2. यहाँ कुछ अलग चल रहा है, सो पूरा ग्रुप हमारा यहाँ खा रहा है, ये दगाबाज यहाँ खा रहा है। माँ का प्यार, वाह क्या है माँ के प्यार में मेन्यू, ब्रेड रोल। यार माँ का प्यार बेटर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। फाइनली आफ्टर 12 आवर्स ऑफ अवर बस जर्नी हम लोग पहुंच चुके हैं। फटाफट अभी बैग निकालते हैं, ये टैक्सीज हमारा वेट कर रही है। एंड हम लोग अभी पहुंचे ऑथ टनल पे और अभी हम आगे जाएंगे जीपी। और अब हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं जीपी के लिए जिसमें अभी हमें और 1.5 घंटा लगने वाला है। तो ये भैया लोग ऊपर सामान बांध रहे हैं। फोटो तो ले यार, ले ले। अब कहाँ लीगल बढ़ते कैमरा, अब तो देख ले चल रहा है। हाय करण, हिना, मेरा नाम हिना है। कहाँ रहते हो तुम? नीचे लेके चलेगा मेरे को? चलो। ये हमारा वेलकम ड्रिंक रोडोडेंडोन का जूस। जिनको नहीं पता तो ये हिमाचल का एक फूल होता है, उसका ये जूस बनाया जाता है। चीयर्स टू ट्रैवल अफेयर्स का जिवी ट्रिप आफ्टर सो लॉन्ग। तुम्हें पता है ना कि ट्रैवल अफेयर्स के हर ट्रिप के बैज बनते होते हैं। दूसरा वाला दिखाओ, इसमें तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं। मान बख्शो थोड़ा कुछ बेचकर गाना गान फिर कुछ आसमानी गाने सुनियो। आओ कभी हमारे यहाँ बंदा आता है फिर खबर आती है। सारे गाने साथ इसको मैं डिटेल में तुम्हें आराम से दिखाऊंगी आने वाली वीडियो में। और इसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, नाउ वी आर गोइंग टू मिनी थाईलैंड। व्हाट इज दिस प्लेस, सो थोड़ा सा वेट करो मैं बताती हूँ। तो ये हमारे आधे बंदे यहाँ चल रहे हैं, आधे बंदे वहाँ पीछे गाड़ी में आ रहे हैं। ये हमारी गाड़ी है, इसमें हमारे सारे लोग हैं। भैया घबरा लेंगे, गिर गया ना तो कौन है पीछे? ऊपर बैठ जाए, कपड़ा नहीं आएगा सिर आगे। नहीं बैठो बैठो, किसको बैठना है? बिना उतारो बस, यहाँ पर उतर जाऊंगी, यहाँ जरा सारे। हेलो, अभी बोलो लेफ्ट में कोने में। बस 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 बस, उतार दो उतार दो।
खाई के ऊपर से निकाल ले एक बार गाड़ी ना और कोने में जाते लेफ्ट में खाई के ऊपर से निकाल ले। ये रील का कंटेंट है तो बस लेता रहता है, पीछे पीछे आता रहता है। अभी मैंने फटाफट एक गाड़ी रोकी है बिकॉज ट्रिप पे आते तो लिफ्ट ले ली होती है, लेकिन वो भाग गई। वो रोका था उसने, चला कैसे क्या वो। एक और गाड़ी आ रही है, इनसे लिफ्ट का ट्राई करते हैं। हाय, अब थोड़ा सा आगे तक छोड़ सकते हैं क्या? हमने जाना तो मिनी थाईलैंड है, लेकिन अब जहाँ तक छोड़ देंगे हम चले जाएंगे। एक दो तीन बैठो, तीन तो बैठो, चलो तीन तो बैठो, जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। एज यू कैन सी बिहाइंड मी द रोड्स आर अमेजिंग, द व्यूज आर अमेजिंग, एंड जस्ट लुक एट दिस कर्व, वाओ। बिहाइंड द सीन प्लीज लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द स्टोरी टेलर वी हैव ऑन आवर ट्रिप। शी इज सच अ यूजलेस स्टोरी टेलर, आई कांट टेल यू। नो नशा, नो नशा। पहाड़ों पे जाते आपको एक डॉगी मिल जाता है ना, हमें हमारा पहाड़ों का डॉगी मिल गया। लिफ्ट 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 प्लीज 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 आ जा डॉगी आ जाना। तो हमने अभी तीसरी लिफ्ट ले ली। थैंक यू भैया, हमारे सारे बंदे आगे जा चुके हैं एक टैक्सी में जो हमने बुक कराई हुई थी। बाकी तीन लिफ्ट ली हम लोगों ने, चौथी लिफ्ट हमें लेनी है हम तीनों के लिए। हाँ हाँ, तू भी, तेरे को भी लेके चलेंगे। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। तो ये ले ली हमने पांचवी लिफ्ट। हमें लास्ट लिफ्ट मिली इन लोगों से, इन भले लोगों से, दिल्ली से। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय, नाइस मीटिंग यू गाइस, बाय, थैंक यू। यहाँ से जिब्बी से आते हैं और यहाँ शोजा की तरफ जाते हैं, एंड बीच में यू विल फाइंड दिस बोर्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जिब्बी, एंड हियर यू हैव टू टेक द स्टेप्स नीचे की साइड पे फॉर द मिनी थाईलैंड। वैसे गाइस वो मिनी थाईलैंड का रियल नेम इज दिस, कुल्ही कतांडी। सो मैं नीचे पहुंच के तो मैं बताती हूँ मुझे कितना टाइम लगा एंड रास्ता कैसा है। बट एज यू कैन सी इट लुक्स डिसेंट। टेढ़ा कैसे है, टेक्निक बताना। ऐसे, 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 वो भी चल रही है। ऐसे, 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 पैर सीधा मत रखो, ऐसे ऐसे रखो। अच्छा, ऐसे रखो और एक स्टेप नीचे एक स्टेप ऊपर, ऐसे। ठीक है ठीक है, नीचे जाना है, सारे रास्ते नीचे जाएंगे। स्ट्रगल अ बिट बट इट इज डेफिनेटली वर्थ इट। देखो यार ये पानी यहाँ का बहुत एपिक लेवल है। लेट मी शो यू, ये जो यहाँ के पत्थर है ना, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा थाईलैंड के पत्थरों जैसा है, इसलिए इनको मिनी थाईलैंड। ने हमें ये इतनी ब्यूटीफुल सी जगह घुमाई, यू कैन सी दैट, ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू हाउ ब्यूटीफुल इज दिस प्लेस, जस्ट लुक एट दिस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड इसको मिनी थाईलैंड क्यों बोलते हैं। आई मीन इट्स हैज अ लाइक इतना सा भी रिजेम्बलेंस, यू नो, मतलब वेरी वेरी लेस रिजेम्बलेंस टू द स्टोन्स ऑफ थाईलैंड। दिस प्लेस शुड बी फेमस विद दिस नेम, कुल्ही कतांडी। सो In case you guys plan to come here, to try, you know, using and promoting the local name rather than saying mini Thailand. अभी वापस चलते हैं होमस्टे में, चाय वाय पीते हैं। मेरा गला बिल्कुल जा चुका है, तो बहुत बुरी हालत हो रही है, तो yeah, let's just go. और अभी हम लिफ्ट लेके नहीं जाएंगे, अभी हम genuinely अपनी कैब पर ही वापस जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, इट इज डे टू ऑफ ट्रैवल अफेयर्स ट्रिप। अभी चलेगा फूड विद अ व्यू, उसके बाद मैं निकलूंगी जिलोरी पास के लिए अलॉन्ग विद द होल ग्रुप, एंड नीचे हमारी कैब ऑलरेडी वेट कर रही है। दिस इज द रास्ता, हम अभी शोजा में हैं। यहाँ से जिलोरी पास इज लाइक, जिलोरी पास इज दिस पॉइंट बेसिकली,
और ये ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर पर है। जलौरी पास का एक अलग से एक्सक्लूसिव व्लॉग बनेगा जो तुम ये वाले व्लॉग के बाद देख सकते हो। जलौरी पास इतना लेट डाउन सा ये स्पॉट है ना, लेकिन समावाज भीड़ थोड़ी सी ज्यादा है, काफी गाड़ियां आई हुई हैं। जलौरी पास पे आते ही आपको यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स दिख जाएंगी। फ्रॉम हियर यू कैन हैव बेसिक फूड, यू नो, राजमा चावल, कढ़ी चावल टाइप्स कुछ भी। ये है महाकाली मंदिर जलौरी पास पर, एंड यहाँ से जलौरी पास का ट्रैक स्टार्ट होता है। नहीं, इनके लिए बता रहे, मैं बोला ये जगह भी अच्छी है, यहाँ चल रहा है इनका फोटोशूट। अब ये फोटोशूट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे हमारे ट्रिप में लिखा होता है कि ट्रिप पे कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। या कंटेंट चाहिए ना, कंटेंट। अच्छा, वीडियो बन रही है क्या? चलो वीडियो बनाओ। मीनवाइल आप लोग नजारे देखो। माइंड करा दे रे, बट सही है यार, ड्रोन करने की पता नहीं। देखो देखो इनका बहुत सही था। ये वाला हाथ उल्टा हाथ, ऐसे लंबा, ऐसे ऊपर की साइड लंबा, और ये सीधा हाथ है ना, ये ऐसे हाथ की साइड, मतलब की साइड ऐसे माथे के ऊपर। अच्छा, मैं एक पॉज बताऊं सबको, करोगे लड़कियों? यार वो वाला ले ले। सो वी ऑल स्पेंट ऑलमोस्ट 2 आवर्स हियर एट द टॉप ऑफ सिरोलसर लेक, एंड काफी ज्यादा फन था, बहुत एंजॉय किया। एंड यहाँ सामने मंदिर है, बादल आ चुके हैं, बारिश शुरू हो चुकी है। थैंकफुली हम रेनकोट लेकर आए थे सभी। आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, भाई पत्थर गिर रहे, चलो वहाँ पे। ये वीडियो है। ट्रैक से वापस जाने के बाद हम लोगों ने जाके थोड़ा बहुत चिल किया और निकल गए अगले दिन तीर्थान वैली के लिए। The next day. पेट्स का खाना चल रहा है यहाँ पे, पेट्स अब इनको समझ नहीं आएगा। पेट जूम इन करो, ये रहा, इसका नाम है मॉली। मॉली ये मॉली, अरे यार मॉली कहाँ चले, खाना खाते फोटो मत ले, भैया मॉली का खाना लेके जा रहा। मॉली किडनैप होगी मेरी, मॉली। बहुत सारी मॉलियां यहाँ पे, मॉली 1, मॉली 2, मॉली 999। चलो एनीवे गाइस, इग्नोर, ये पूरा इनका रूफटॉप कैफे है। मैं तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा रूम टूर देती हूँ। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? शर्म नहीं आ रही? सब्सक्राइब बोल दो यार, दिल्ली आते हो शर्म आ जाएगी। चलो, काफी चिल स्पेस है यहाँ का, रात को बहुत गाने बजते रहते हैं यहाँ पे, कैरियोके सेटअप है। दिस इज द मिरर, ये रूम है यहाँ पे, खोल के कोई है क्या? ओके, सो हम इस रूम का टूर करेंगे। चलो, ये रूम है इनका, बट अभी चलो ज्यादा थोड़ा मेसी हो रहा है। दिस इज द वॉशरूम, और बाहर से तुम्हें नजारे दिखाती हूँ। मौली है यार, सदा यहाँ किसका ठिकाना है, उनकी रवानी में जाना है। हो जाने फिर क्यों A few moments later. हाँ जी, पहली बार चला रहा हूँ।
सच में देखो कितना बड़ा पानी है, देख लो एक बार चेक कुछ कर इसका कर। वो है क्या कोई देवी देवता का पानी है क्या ऐसा? भैया ने बोला पानी यहाँ से भर के पियो, यहाँ का पानी बहुत टेस्टी होता है। पहाड़ों में ना गाइस यही होता है कि आपको कहीं से ऐसे पानी नजर आता है तो भर लो, देयर इज नथिंग अनहेल्दी अबाउट इट। मैं तुम्हें प्रूफ करने के लिए तुम्हारे सामने तुम्हें पी के दिखा देती हूँ। मेरे साथ हो चुकी है ट्रेजेडी, मेरी जैकेट रह गई है पीछे मेरे होम स्टे में जहाँ पर मैं रुकी हुई थी। पता नहीं मुझे वापस आएगी या नहीं आएगी, नहीं आएगी तो आई लॉस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल जैकेट। बहुत ज़्यादा दुख आ रहा है मुझे, बट ऑल्सो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं तीर्थान वैली में एंड लुक एट द व्यूज मैन, इट इज़ सो प्रिटी। एंड हम लोग जा रहे हैं यहाँ एक कैंप साइट पे जो मैं तुम्हें जाते ही दिखाने वाली हूँ, एंड वहाँ पर हमारा पूरे ग्रुप का लंच है और उसके बाद हम लोग निकलेंगे दिल्ली वापस के लिए। तो यहाँ Let's go to the campsite. चलो जी, we have reached the campsite. It's Tirthan Nature Camps. It's a very pretty space. इसके पीछे तुम्हें शोर आ ही रहा होगा, सो दैट इज तीर्थान रिवर का शोर। अभी हम लोग वहीं चल रहे हैं, द होल ग्रुप इज ऑलरेडी देयर। एंड मैं यहाँ पर आई थी ऑलमोस्ट 3 साल पहले, एंड द प्लेस हैज इवॉल्व इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, एंड It's definitely a must stay at place in Tirthan if you, you know, ever plan to come and visit here. So that's the rasta we have to take to go to the river. So, main aate aa chuki hu thoda sa aur aage, and I am just finding a perfect spot for myself. Baaki log hamare group ke wahan par hain. Time for some good tan. अबे इधर देखो। Group is leaving now and I am going to stay here in Jibi for a day, so going back, but yeah, let's just say bye.